मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर आविर मेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे महाप्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। मंत्र पढ़ते हैं। ॐ आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्। न अन्यत् किंचन मिशत सैक्षत लोकान्नु सृजा इति स इमान लोकान सृजत अम्भो मरीचिर मरम आपो अदो अम्भ परेण दिवं द्यो प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्ताता आपः सईक्षत इमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सैक्षत इमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सो अद्भ्यायेव पुरुषा समुद्धृत्या मूर्छयत। ये सब वेद की ऋचाएं हैं। इसके पाठ का भी बहुत बड़ा पुण्य है, लाभ है। आप लोग भाग्यशाली हो, नहीं तो पहले वेद की ऋचाओं को सबको सुनाने के लिए मना था, वेद की ऋचाएं सबको मत सुनाओ। लेकिन हम लोगों को गुरुदेव की कृपा से, प्रभु कृपा से श्रवण करने को, पाठ करने को भी मिल रहा है। सृष्टि के मूल में एक वो आत्मा ही आत्मा था। आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं, ना समझ में आवे तो कोशिश करना, क्योंकि शुरुआत से लिंक नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। अपने आत्मस्वरूप के अलावा और कोई भी नहीं था। उसके चित्त में चूँकि वो सर्वज्ञ है और अपने स्वरूप से सर्वज्ञ है,
तो उसके भीतर संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं। जब ऐसा संकल्प हुआ तब उसने सबसे पहले लोकों की रचना किया, लोकान्नो, सबसे पहले लोक की रचना किया। लोक में चार लोकों का नाम आया, अंभा, मरीचि, मर और आप, ये चार प्रकार के लोकों की रचना किया। चार प्रकार के लोकों में अंभ कह दिया, अंभ, अदह, अदह माने जो प्रत्यक्ष नहीं है, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, अदह माने वह, इसलिए अदह, अदह माने प्रत्यक्ष नहीं है, केवल वो शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है। अंभा परेण दिवम ध्यो, जो ध्यो से परे है, परेण जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसके जो परे है अनंत, वो सब का सब अंभ है। और जो उससे नीचे है, जहाँ पर ये ध्यो प्रतिष्ठित है, उसका नाम हुआ अंतरिक्ष। जो अंतरिक्ष है उसका एक नाम दिया मरीचि। देखो दोनों का फर्क समझना, क्या कह रहे हैं टीकाकार और भाष्यकार भी, कि जो अंभ है उस अंभ को हम अपनी आँखों से, इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों के परे है। और जो मरीचि है, मरीचि को यहाँ पर अंतरिक्ष कहा, नीचे के लोक को। हमने कल उल्टा बोला था, क्योंकि खगोल विज्ञान वाले वैसा बोलते हैं। हाँ, तो जो हमारा शास्त्र प्रमाण है, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष माने नीचे वाला, यहाँ पर सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है, यही शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, भाष्य में देख लेना कहीं पर। मरीज के लिए कहा गया कि मरीचिर भी व रश्मि भी संबंधात, रश्मि भी, जिस लोक में सूर्य की रश्मियाँ प्रवाहित करती हैं उसका नाम है मरीज। क्योंकि जब सूर्य की रश्मियाँ प्रवाहित होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ भ्रम की उत्पत्ति की भी गुंजाइश हो जाएगी। और मरीच माने मृग मरीचिका के जल के जैसे। तो जो दृश्य नहीं है वो अंभ, और उसके नीचे का लोक हो गया वो मरीचि। और जहाँ पर जीव आकर के केवल मरता ही मरता है, एक ही काम है, पृथ्वी मरो हो, पृथ्वी मरो हो, हाँ, अस्मिन भूतानि इति, हाँ, जहाँ पर आकर के केवल एक असली काम हम करते हैं, मरना। कल का दिन मर गया तो आज आया, आज का दिन मर जाओगे रात में, हाँ। जिंदगी भर केवल एक काम है, जहाँ पर हमारा प्रलय ही प्रलय हो रहा है, तो इस लोक का नाम हो गया मर। और इसके नीचे जो लोक हो गया अधा तात पृथिव्यास्तात् आप, चूँकि नीचे है वो सबके नीचे है, और नीचे होने के कारण उसका नाम हो गया आप। इस प्रकार से ये चार लोकों की रचना किया। आप थोड़ा सा इसमें भगवान भास्कर ने कहा, यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम लोकानाम, आप मान लो इसमें एक अंतर्निहित बात है कि इसके पहले पांच महाभूतों का सृजन हो चुका है। यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम, तो इसके पहले पांच महाभूत हो चुके हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इन्हीं पांच महाभूतों से ये चार प्रकार का विभाजन करके चार प्रकार के लोक की सृष्टि हुई, चार प्रकार के लोक। अब स इच्छत, फिर से उसने विचार किया, किसने, उस परमात्मा ने फिर से विचार किया। हाँ, मंत्र, पहले मंत्र देख लो फिर भाषा देखना। स इच्छत, तीसरा मंत्र, स इच्छत, उसने विचार किया, किसने विचार किया, सा किसको जाएगा, परा सर्वज्ञ, यह सा मतलब कौन, वह नहीं, परा सर्वज्ञ, पहले आया था सर्वशक्ति, याद है ना, परा सर्वज्ञ सर्वशक्ति असनायादि सर्वसंसार धर्म वर्जिता, ओ उसने विचार किया। क्या विचार किया, इमे नु लोका, ये लोक तो बन गए, इमे नु लोका, ये चार लोक तो बन गए, लोकपालानु सृजा इति, अब हमको लोकपालों को बनाना चाहिए,
हाँ भाई, लोक लोक बन गया तो लोक को चलाने वाले भी चाहिए। सह अद्भ्या एव पुरुषः, तो उस परम पुरुष ने, उस आत्मा ने, उस परा सर्वज्ञ ने इसी जल में से, अद्भ्या एव, इसी पांच महाभूतात्मक इसी जल में से उसने एक पुरुष को बना करके निकाला। हाँ, पुरुष समुद्रता पुरुष को निकाला, और जो पुरुष को निकाला वो मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, मतलब उसमें अभी क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं हो। मूर्छा माने जिसके भीतर क्रिया करने की सामर्थ्य ना हो, जो देखे ना, जो बोले ना, जो हंसे ना, जो खाए ना, सो मूर्छित। तो वो उस प्रकार से उसमें कोई क्रिया की सामर्थ्य नहीं, लेकिन उसमें से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। अब आनंद गिरी भगवान कहेंगे ये जो पुरुष बना सबसे पहले मूर्छित, यही इसी का नाम है विराट। सृष्टि दो प्रकार की होती है, आगे के प्रसंग में पहले प्रवेश करने के पहले समझो, सृष्टि का दो भेद है, एक हम कहते हैं व्यष्टि और एक कहते हैं समष्टि। पहले समष्टि बनती है, पहले मन में आवेगा समष्टि का, बाद में उसका भेद बनेगा। आजकल की भाषा में समझ सकते हो, आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं 10 मंजिल, हाँ, उनका जो ढांचा खड़ा हो जाता है, जल्दी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कितना कमरा होएगा, कहाँ से दरवाज़ा होएगा, देखना जा करके। ढांचा खड़ा हो गया उनका पूरा, वो जो आर्किटेक्ट होगा उसके मन में है, जो बनाने वाला है उसको पता है कि कैसे बनेगा, लेकिन हमको जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बेचने वाले एक सैंपल बना के रखते हैं, है ना, देखा होगा, एक सैंपल अलग से बना लिया, 2-3 कमरे का, वही दिखाएंगे ऐसे बनेगा, 3 कमरे का, 2 BHK 3 BHK ऐसे बनेगा, अब उसको देख करके। लेकिन वो जो ढांचा पर ढांचा खड़ा कर दिया है छत पर छत, वो समष्टि है। उसके बाद जो, और कभी कभी तो राजगीर को भी पता नहीं होता क्या करा रहे हैं, कभी राजगीर को भी नहीं पता होता। उसके बाद जब उसमें पार्टीशन कराया, दरवाजा लगाया, ये ऐसा ऐसा, तब पता लगता, उसका नाम हो गया अव्यष्टि। समझ में आना चाहिए, हाँ, पहले समष्टि का संकल्प होता है और उसके बाद बनता है समझ। भाई पहले समष्टि का संकल्प हुआ कि आश्रम बनाए, आश्रम आने का पहले यही संकल्प हुआ, 10-12 साल पहले आश्रम बनाए, समष्टि का संकल्प हुआ ना। अब आश्रम में अब एक हैंडपम्प भी होवेगा, हाँ, एक रहने के लिए कुटिया भी होवेगी, खाना खाने के लिए फिर रसोई भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, सत्संग के लिए सत्संग वाला भी चाहिए, फिर मंदिर भी चाहिए। अब समष्टि के अंतर्गत ये व्यष्टि का निर्माण बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले होता है समष्टि, हमेशा विचार करके ध्यान रखना। अरे आप लोग भी चलो भोजन बनाते, भोजन माने, हा? भोजन माने समष्टि। अब उसमें हमने पूछा अच्छा आज खाने में क्या बनाएंगे आप, तो फिर आपने गिनाना शुरू किया, करेले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, आलू दम, हाँ, टमाटर का पराठा। अब देखो व्यष्टि हो गया ना, अलग अलग, एक दो उसी सिद्धांत को ले जाओ, पहले समष्टि का संकल्प होता है, बाद में उसके अंदर व्यष्टि बनता है। तो ये जो उस परम पुरुष ने, वो आत्मा ने जब विचार किया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, तो पहले समष्टि का संकल्प हुआ। अभी जो ये बन रहा है ये समष्टि है, अभी ये सब समष्टि है, तो उसमें से जो एक पुरुष प्रकट हुआ, जिस पुरुष को उस आत्मस्वरूप ने, परा सर्वज्ञ ने उसमें से प्रकट किया, वो समष्टि है। उसका एक नाम ले लो विराट पुरुष, अपना शरीर मत ध्यान, वो विराट पुरुष है। फिर उसके भीतर अनेक अंग प्रत्यंग बनते जाएंगे। अब देखो, अब आगे भाष में जरा सा देख लेना, हाँ, स इच्छत मंत्र में है ना, स इच्छत, सा सामान्य कौन, हाँ, भाष पढ़ो फिर देखना। सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूतांश चतुरु चतुरु लोकान सृष्ट्वा स ईश्वर पुनः एव इच्छत। एक वो बहुत चतुर है, या आप कह लो 4 प्रकार की सृष्टि बन गई, 4 लोक बन गए, अंब, मरीच,
मार और आप चार प्रकार के लोग या आप कह लो बहुत प्रज्ञावान कौन, सर्व प्राणी कर्म, समस्त प्राणी, पहले भी आया था लोक का, लोक की परिभाषा आई थी पहले, प्राणी जहाँ पर होते हैं और वो प्राणी क्यों आते हैं, कर्मों के कारण, किस लिए आते हैं, फल भोगने के लिए। तो प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान, वो चारों लोक का जो निर्माण हुआ किस तरीके से, उस प्रज्ञावान ने, उस आत्मा ने, सर्वज्ञ ने कैसे बनाया, समस्त प्राणी जहाँ पर निवास करें अपने कर्मों के कारण और अपने फल का भोग करें। जब इतना बन गया तो उसने फिर विचार किया, स ईश्वरः स ईश्वरः, अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लिख रहे, स ईश्वरः ओ सर्वज्ञ, उसने पुनः ये इच्छत फिर से विचार किया, क्या इमेनु अम्भा प्रवृत्त मया सृष्टा लोका, ये जो मैंने चार प्रकार के लोग बना दिया, पारिपालयत्रिवर्जिता विनश्येयु, अगर इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा तो नष्ट हो जाएंगे, विनश्येयु पारिपाल, इस जगत में यही है, बनाना आसान है और उसको व्यवस्थित बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो बिना कोई संभालने वाले के ये लोक भी नष्ट हो जाएंगे, शब्द देखना भाष्यकार, परिपालयित्री वर्जिता विनश्येयु तस्माद एषां रक्षणार्थम, इसलिए इन लोगों की रक्षा के लिए लोकपालान लोकानां पालयित्रीनु, लोकों की व्यवस्था संभालने के लिए सृजे अहम लोकपालों को बनाऊं, लोकपालों को बनाऊं, ऐसा विचार करके एवं इच्छित्वा, ऐसा विचार करके आनंदगिरी टीका नहीं है, नहीं तो आनंदगिरी टीका होता तो देख लेते, लिंग शरीरम तद अभिमानिनो देवा, यहाँ पर सीधे सीधे वो विराट पुरुष का है, सा अदभ्या एव अपि प्रधानेभ्या एव पंचभूतेभ्यो येभ्य अम्भ प्रवृत्तीन सृष्टवान तेभ्या एव इत्यर्था पुरुषम पुरुष आकारम शिरा पाणादिमंतम समुद्रत्य अदभ्या समुपादाय मृतपिंडम इव कुलालः पृथिव्या अमूर्छयन मूर्छितवान सपिंडितवान स्वा अवयव संयोजनेन इत्यर्थः। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, भाष्य बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आप जरा सा एक एक शब्द तोड़ करके समझना को चाहोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब वैसे अब अपने आप देखोगे तो बड़ा कठिन लग रहा होगा, जितना मैंने पढ़ा भी है ना संस्कृत। अब देखो साह अदभ्या, साह माने वो परम पुरुष, अदभ्या माने जल, एव माने ही है ना, आप प्रधानेभ्य जल ही जहाँ पर प्रधान है, एव पंचभूतेभ्य उन्हीं पांच महाभूतों में से, एभ्य अम्भा प्रवृत्ति कौन से पांच महाभूत, जल आदि में भी उन्हीं में से सृष्टवान उसी में से बनाया, तेभ्य एव उसी में से उसने बनाया, क्या बनाया, पुरुषम पुरुषा आकारम एक पुरुष के आकार का पिंड बनाया, सिरा सिरा पाणी आदिमंतम जिसमें सिर है हाथ है पाँव है, कठिन लग रहा है मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा था तो कठिन लगा होगा अब बताओ कहाँ कठिन है, वो पुरुष के आकार का सिर पाणी आदिमंतम सिर हाथ आदि समुद्रित्य उस पिंड में से ऐसे बना दिया, कैसे, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का बनाता है तो उसमें से हाथ बना देता है पांव बना देता है, अरे महाराज पूजा करने वाले जो कार्तिकेय और गणेश को बनाते हैं रुद्राभिषेक के समय मिट्टी का एक बार तो देखते रह जाओ, अभी हरिद्वार में अतुल बनाया तो एक बार मैं घूर घूर के देख रहा था उसमें सूंड बना दिया कान बना दिया ये बना दिया वो बना दिया, तो ऐसे ऐसे बना समुपादाय मृत पिंडम यो कुलाला, जैसे आप लोग इस जगत में देखते हो कुमार बना देता है वैसे पृथ्वी वैसे एक पुरुष की आकृति बन गई, बहुत आसान है। अगला मंत्र पढ़ो, लेकिन अभी वो जो पिंड बना वो चेतन नहीं है, वो मूर्छित अवस्था में है, क्योंकि वो बन तो गया। अब देखो यही है, आप लोग पुराण पढ़िए तो माँ भगवती ने एक आकृति बनाई और उसमें जान डाल दी है ना, बन गए गणेश जी, और इसी का नकल किया कि उसने कबूतर बनाया और कबूतर को कह दिया उड़ जा और उसमें चेतन प्रकट हो गए बाइबल में बिल्कुल हमारे पुराण की नकल है। अगला मंत्र पढ़ो, थोड़ा लंबा है मंत्र, सावधानी से, तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य
मुखम निर्भिद्यत यथा अंडम मुखाद वागवाचो अग्निर्नासिके निर्भिद्येताम् नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायु रक्षिणी निर्भिद्येताम् अक्षीभ्यां चक्षुषश्चक्षुषः आदित्यः करणौ निर्भिद्येताम् करणाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः त्वं निर्भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्या ओषधि वनस्पतयो हृदयं निर्भिद्यत हृदयान् मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर निर्भद्यत नाभ्या अपानो अपानान् मृत्युः शिश्नं निर्भिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः बहुत बढ़िया शब्द है यहाँ पर बिल्कुल। भाष्य में देखोगे तो एक लाइन शुरुआत में लिखा होगा, शुरुआत में ही शायद मंत्र के लिखने के पहले विराड उत्पत्तिम उक्त्वा। मैं आनंदगिरी वाला देख लिया ना, गड़बड़ा गया ना। हाँ, इसमें है तम पिंडम पुरुष विधम। सबसे पहले आप पहला शब्द पढ़ देखना, इसमें मंत्र में है तम अभ्य तपत, है ना, तम अभ्य तपत। यहाँ पर देखना शुरुआत का मंत्र का पहला है तम अभ्य तपत तस्य अभितप्तस्य। उस ईश्वर ने सबसे पहले तप किया, उसने तप किया, और उसने जब तप किया तो वो जो पिंड बना हुआ था जैसे मिट्टी का लोंदा, उसमें से अनेक अनेक इंद्रियां पैदा होने लगी विराट पुरुष में। विराट पुरुष कह लो, हिरण गर्भ कह लो। उसमें कैसे तप किया उसने, भगवान भास्कर ने लिखा यस्य ज्ञानमयम् तपः। यस्य ज्ञानमयम् तपः मुंडक उपनिषद का है इत्यादि श्रुते। कौन सा तप किया उसने, विचार रूपी तप, चिंतन रूपी तप, ज्ञान रूपी तप, यही तप है असली तप। तो जितने समय तक आप लोग यहाँ पे बैठ के तप कर, भाई कुछ लोग बेचारे धूप में बैठे हैं, हो गया ना तप। ध्यान भी एकाग्र करना है, धूप भी लग रही है, जमीन में बैठे हैं नीचे, श्रवण भी करना है, तप ही तो हो गया। इससे श्रेष्ठ और कोई तप नहीं। वो पानी में खड़े होने वाला तप यहाँ पर नहीं है, आग लगा के बैठ जाओ वो तप नहीं है, वो तमोगुणी तप है। उससे वरदान मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, शक्ति और वरदान उस तप से मिलेगा, शांति नहीं मिलती। अगर शांति मिलनी होती तो रावण हिरण्यकश्यप सबको मिल गया होता, वो सबके सब बड़े बड़े तपस्वी थे। उस तप से वरदान और शक्ति तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन शांति और आनंद तो ज्ञानमया तपा। इसलिए तप की मूल परिभाषा यहाँ पर देख लेना, यस्य ज्ञानमयम् तपः, ये अथर्वेद का मुंडक उपनिषद का उद्धरण है। तो उस परमात्मा ने पहले तप किया, तस्य अभितप्तेस ईश्वर संकल्पेन, तप माने संकल्प, उसके संकल्प से वो जो पिंड बना हुआ था पहले जल में से निकाला था विराट पुरुष को पिंड, उस पिंड में अब सृष्टि बनने लगी। कैसे, जैसे अंडे में, जैसे वो कुम्हार अपना मृत पिंड एक पिंड में कुछ बनाने लगता है, ऐसे ही उसमें से बनने लगा। और अब जो बनता है इसमें तीन प्रकार की सृष्टि बन रही है तुरंत। अब इसको हमने प्रवचन में कई बार समझाया है, त्रिविधा सृष्टि होती है, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, है ना। ये तीनों प्रकार की सृष्टि एक साथ हो रही है, यहाँ अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक साथ सृष्टि हो रही है। जैसे हम सपने में
आकाश वायु सब इकट्ठे एक साथ पैदा हो जाता है, फिर उसको देखने वाली इंद्रियां भी पैदा हो जाती हैं, और भीतर उसको मैं जानने वाला चेतन जीव भी हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों एक साथ पैदा हो रहा है, लेकिन एक तन्मात्रा में पैदा हो रहा है। हाँ, तन्मात्रा में, अभी सूक्ष्मता में, वो विराट पुरुष में पैदा हो रहा है। अब अपने आप एक बात समझ लोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले वो जो पिंड था उसमें मुख पैदा हुआ, मुख, मुखम निर्भद्यते। हाँ, फट गया उस पिंड में से, मुख की जगह फट गई, मुख बन गया। यथा अंडम, श्रुति भगवती को लगा कि समझ में नहीं आवेगा, तो श्रुति ने ही दृष्टांत दिया। यथा, यथा माने दृष्टांत, जैसे अंडम, जैसे अंडे के अंदर जीव में, ऐसे उसके भीतर वो जो वो पुरुष बना हुआ था उसमें मुख पैदा हो गया। जब मुख पैदा हो गया तो भाई मुख बन गया, एक भौतिक सृष्टि होगी, मुख बन गया उस विराट पुरुष का। जब मुख बन गया तो उसका जो अधिष्ठात्र देवता बन गया और उसका विषय बन गया। पहले मुख बना, उसके बाद फिर मुखाद वाचो, हाँ, अब वाणी पैदा हो गई। हाँ, जब वाणी पैदा हो गई तो वाचो अग्नि, हाँ याद है, वाणी का अधिष्ठात्र देवता, हाँ याद होना, वाचो वन्नी। हाँ, वो आप लोग तत्वबोध की परिभाषा याद रखोगे, हमेशा काम आवेगा। तत्वबोध में यही परिभाषा थी, वाचो वन्नी, है ना, वाणी का अधिष्ठात्र देवता कौन, अग्नि। अब देखो तीनों एक लाइन में कह दिया, मुखा, मुख पैदा हुआ, मुखाद वाक, मुखाद वाक, मुख से वाक, वाक माने वाणी, वाचो अग्नि, और उससे अग्नि पैदा हो गई। तीनों सृष्टि हो गई, अग्नि हो गई अधिष्ठात्र देवता अधिदैवत, मुख हो गया भौतिक, और वाणी हो गया अध्यात्मिक, तीनों एक साथ पैदा हो गई। ये जो आकृति बनी है भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। अग्नि देवता हो गए अधिदैव्य, और जो उसमें शब्द का प्रवाह हुआ वाणी का, वो हो गया हमारा अध्यात्म। इस प्रकार से तीनों सृष्टि, अब एक चीज को समझ लिया, अब नीचे का पूरा अपने आप भी समझ सकते हो, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों एक साथ सृष्टि पैदा हो रही। अब आगे का सब अपने आप समझ। फिर क्या पैदा हुआ, नासिका, हाँ नाक बना उसमें पिंड में, नाक बना, नासिका निर्भिद्यताम, नासिका पैदा हो गया, नासिकाभ्याम प्राणा, तो नाक बन गए तो उससे श्वास चलने लगी, फिर उसका अधिष्ठात्र देवता कौन हो गया, प्राणात् वायु, उसका वायु अधिष्ठात्र देवता पैदा हो गया, ठीक है, दो हो गया। फिर अब उसके बाद क्या पैदा हुआ, बोले अक्षिणी आँख पैदा हो गई उस पिंड में, विराट पुरुष में आँख पैदा हो गई। अभी समष्टि का है, व्यष्टि का नहीं है, अभी हमारा अपने शरीर का नहीं, ये समष्टि का है। अक्षिणी आँख पैदा हो गई, अक्षिणी निर्भिद्यताम आँख पैदा हो गई, अक्षिभ्याम चक्षु, फिर उससे इसमें आँख में से देखने की शक्ति पैदा हो गई, रूप रूप आदि को, और चक्षुषा आदित्य देवता कौन हो गए इसके, सूर्य आदित्य, चक्षु के चक्षुषा सूर्य, इसके अधिष्ठात्र देवता सूर्य पैदा हो गए, लोग सृष्टि हो गई। भाई अगर आँख ना होवे तो सूर्य की सत्ता का बोध किसको होगा, भाई मेरी आंख ने देखा, मेरे गुरुजी की आंख ने देखा, मेरे दादाजी की आंख, किसी जिसने भी सूर्य को देखा होगा आंख ही ने देखा। हाँ, सूर्य की सत्ता आंख के सापेक्ष है, है ना। ये सब का सब बिल्कुल जो है उसके अलावा है ही नहीं। कल्पना कभी करना चाहिए कि हमारे पास पांच इंद्रिय है और पांच ही विषय का अनुभव होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मान लो सारे जगत में चार इंद्रिय होती, या मान लो एक इंद्रिय और हो जाती, हमारे पास छह इंद्रिय होती, तो छठा विषय कौन सा होता। हा? वैसे ये सृष्टि केवल त्रिआयामी नहीं है। पहले पिक्चर बनती थी दो आयामी, है ना, दो आयामी, टू डायमेंशन, केवल लंबाई और
चौड़ाई, फिर अब 3D में आ गया, लंबाई चौड़ाई और गहराई ऊंचाई, और अब फिर धीरे धीरे मल्टी डायमेंशन हो जाएगा। ये सृष्टि कैसी है, ये सृष्टि कैसी है कहा नहीं जा सकता। हमारी जानने की 5 इंद्री हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जितना जाना उतना ही पता है, बाकी सृष्टि कितना है हमको फिलहाल है। अगर 6ठी इंद्री और पैदा हो जाए न जाने क्या दिखाई पड़ेगा इसी में। ज्ञान की 5 इंद्री याद रखना चाहिए। हाँ अच्छा चलो आगे देखो, फिर अब क्या पैदा हुआ, कारणों। हाँ फिर कान पैदा हो गया, कारणों निर्भिद्यताम, कान पैदा हो गया, कारणाभ्याम श्रोत्रम, फिर कान पैदा हो गया तो कान को शब्द सुनाई पड़ने लगा, जय हो काली मैया की, दुर्गा मैया की। अगर कान ना होता तो कैसे सुनाई पड़ता है आपको। अब विचार करो कि पहले कान पैदा हुआ कि पहले शब्द। एक साथ सापेक्ष सृष्टि में दोनों एक साथ पैदा होते, पहले पीछे का ब्रह्म है। अच्छा सपने में, सपने में पहले पेड़ बना, पहले दादा बने कि पहले पोता। भाई सपने में पहले 60 साल वाले दादा पैदा हुए कि पहले 5 साल वाला पोता। दोनों एक साथ पैदा हो गए, दोनों की उम्र बराबर है। अरे अच्छा चलो, कर्णों निर्भिद्यताम, कान पैदा हो गए, कर्णाभ्याम श्रोत्रम, और जब श्रोत्र पैदा हो गए तो अधिष्ठात्र देवता कौन, दिशाएं, दिशा, फिर त्वचा, त्वचा पैदा हो गई, त्वंग, त्वंग माने त्वचा, त्वचा निर्भिद्यात, त्वचो लोमानी, फिर इसमें से रोएं पैदा हो गए, और उसके बाद में औषधियां, चूंकि विराट पुरुष का है, अब थोड़ा सा अपने से ऊपर उठना। हम कई बार सुना है कि वो परमात्मा के रोएं ही ये सब का सब पेड़ है, याद है ना, प्रवचन में कई बार सुना होगा। अब ये आधार यहाँ का लेकर के हम लोग बोलते हैं विराट पुरुष, विराट पुरुष है ना, तो वो विराट पुरुष का जब त्वचा पैदा हो गई तो त्वचा से फिर रोए पैदा हो गए, और रोए से सब औषधियाँ वनस्पतियाँ ये सब पैदा हुई, तो विराट पुरुष का हृदय भी पैदा हुआ, हृदय निर्भिद्यत, हृदय पैदा हो गया, तो हृदय से क्या पैदा हुआ, बोले हृदय से मन पैदा हुआ, हृदय से मन, और मन का देवता बन गया चंद्रमा, मनसो देवता चंद्रमा। फिर उस विराट पुरुष का पैदा हुआ नाभि, नाभि निर्भद्यत, नाभि पैदा हो गया, तो नाभि से अपान वायु, और अपान वायु से मृत्यु हो, यमराज, मृत्यु के देवता, क्योंकि अपान एक जो 5 प्राण हैं वही हमारे जीवन को चलाते हैं, और उदान वायु ही हमको यहाँ से ले जाती है, अपान आत्म। शिश्नम निर्विद्यते, फिर उसके बाद जननेन्द्री बन गई, शिश्न जननेन्द्री, शिश्नाद रहता है, फिर उसमें से शुक्र बन गया, उसमें से रस बन गया, जल बन गया, और इस प्रकार से वो विराट पुरुष का जो एक पिंडाकार बना हुआ था उसमें सारी इंद्रिय प्रतिंद्रियां सब की सब बन गई, और वो चेतन हो गया। अब वो चेतन हो गया क्योंकि सब बन गई, जब चेतन हो गया हाँ, तो यहाँ पर इस उपनिषद का एक खंड पूरा हो गया, क्योंकि समष्टि का निर्माण हो गया, समष्टि बन गई, विराट पुरुष बन गया, तो एक खंड पूरा हो गया। इति ऐतरे उपनिषद आत्मषट्के, इसमें है आत्मषट्के, ये आत्मषटक है। तो आत्मषट्के आत्मा का, तो इस प्रकार से पहला खंड यहाँ पर पूरा होता है, दूसरा खंड शुरू होता है। अब विराट पुरुष बन गया, विराट पुरुष के बाद में तायेता देवता श्रेष्ठा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन तम अस्नया पिपासाभ्याम अन्वार्जत ता एनम अब्रुवन आयतनम न प्रजानीह मस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम आदाम इति। अब जो ता एता देवता सृष्टा, सृष्टा माने जो बनाए गए,
जो अब ये विराट पुरुष में अंग प्रत्यंग बने, उसके जो देवता बन गए बीच बीच में, है ना, आदित्य बन गया, चंद्रमा बन गए, वायु बन गए, जो देवता बन गए, वो सारे देवता इस संसार के महासमुद्र में गिर गए। अस्मिन, अस्मिन माने इस, महति बहुत बड़े, अर्णवे माने समुद्र, प्रापतन इस बहुत बड़े समुद्र में गिर गए। क्यों गिर गए ये सारे के सारे देवता, क्यों गिर गए? तम असनाया पिपासा भ्याम, क्योंकि उनको लगी भूख और प्यास। तो जिसको भूख प्यास लगती है वो गिर जाता है। अगर भूख प्यास ज्यादा लग जाए तो सत्संग में मन लगेगा, फिर रसोई याद आएगी। जब तक गिर न जाए तब तक देना। भाई तम असनाया पिपासा भ्याम बिल्कुल स्पष्ट है। ता एनम अब्रुवन, अब ये देवता लोग जब गिर गए, क्योंकि आधार तो कोई था नहीं उनको, तब ये देवता लोगों ने जोर से चिल्लाया भगवान ईश्वर से, आयतनम ना प्रजानी है, अरे हमको पता नहीं कहाँ टिकूं कहाँ टिकूं, आयतनम, आयतनम माने स्थान, कहाँ रुकूं कहाँ रुकूं, मस्मिन प्रतिष्ठिता जहां पर मैं रुकूं, अन्नम आदामी कहां पर बैठ के खाऊं, कहां पर बैठ करके भक्षण करूं भोजन करूं, वो जगह नहीं लग रहा है। हे सर्वज्ञ, हे ईश्वर, आप हमको रहने के लिए जगह बताओ। वो सब रहने के लिए जगह, जहां बैठ करके मैं भोजन कर सकूं खा पी सकूं, आप वो स्थान बताओ। भाष्य पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा जिनके पास है, क्योंकि भाष्य का एक, और यहाँ का जो भाष्य है बहुत सुंदर भाष्य है, एक शब्द अस्मिन महति अर्णवे प्रापतन, इतने पर बहुत बढ़िया भगवान भास्कर भाव में आ गए यहाँ पर, बिल्कुल जिसको कह लो साहित्य में भाव में आ गए, और इतना बढ़िया है। एक यहाँ पर और एक कठोपनिषद के एक ऋचा में, ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा वहाँ पर, गीता जी में एक जगह पर, कहीं कहीं पर पूरे भाव में आ करके और दुनिया का हिसाब बताया ये संसार कैसा है। मैं वहीं पहुंचना चाह रहा हूं आज, खास करके नए लोगों के लिए। ता एता अग्नादयो देवताः, पहले आया था वाचो वाणी, मुख से पैदा हुआ, मुख से वाणी, वाणी के देवता अग्नि, तो पहला वाला पकड़ लिया, मतलब सबको पकड़ लेना आप, सबका सब पकड़ लो, वो कहते हैं पहला और आखिरी। तो भास्कर ने कहा ता एता अग्ना अग्नि आदयः देवता, अग्नि आज जितने देवता बने थे, लोकपालत्वेन संकल्प सृष्टा, लोकपाल की दृष्टि से ईश्वर ने उनको बनाया, और अस्मिन संसार अर्णवे, वो सारे के सारे लोकपाल देवता बनाया था तो कि लोकों की रक्षा करेंगे, और वो खुद भूख प्यास से इस लोक में गिर गए। महति अर्णवे मंत्र में है महति अर्णवे, तो महति का अर्थ क्या है? महति का अर्थ अब पढ़ना यहां से बड़े आनंद लेते हुए, महति अर्णवे का, अस्मिन संसार अर्णवे मिला, हाँ यहां से, यहां, हाँ अब यहां से आप संसार समझना, किसको हम कहते हैं संसार, हाँ इस संसार रूपी महासमुद्र में जीव गिरा है, हम लोग गिरे हैं। हाँ क्यों गिरे, हाँ क्यों गिरे, क्यों? भूख प्यास से, और पता नहीं था कि कैसे, इसी पेड़ से तना पकड़ के कोई उतरे तो एक एक कदम जानता है कि, तो फिर हम कहेंगे, हम गिरना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पेड़ से वो उतरा, और अचानक डाल से हाथ छूटे और धड़ाम से गिर पड़े, तो हम लोग ऐसे एक दिन पैदा हो गए इस दुनिया में। सोच समझ के आए स्टेप बाय स्टेप, हाँ एक दिन अचानक इस दुनिया में फंसे पड़े, बंद से गिरे। इसीलिए प्रापतन, और तब से धक्के खा रहे हैं। महाराज कितना दुख होता है बचपन में, ना जाने लोग पागल हैं, गर्भ घूसा खाया, गर्भ में दुख, बचपन में दुख, जरा सा देखो माँ गोद मन लेवे तो दुख, देखे ना तो दुख, खिलावे ना तो दुख, जरा सा एक हाथ पकड़ के इसे उठा लेवे तो दर्द हुआ तो दुख। एक बच्चे को पालने में कितना दुख होता है, कई बार जब मैं माताओं को देखता हूँ ना, मेरा दिल महसूसता है कि एक बच्चे को पालने में माँ बाप को कितना, अरे 24 घंटे उसी बच्चे में,
है ना, 24 घंटे उसी बच्चे में मन, सब भूल जाएंगे। और उसके बाद वही बच्चा जब 20-25 साल का हो जाएगा ना, कहेगा क्या किया आपने मेरे लिए, मेरी जिंदगी मुझको पाल पोस करके बड़ा किया, अपना नौकर बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मैं तो लव मैरिज करना चाह रहा हूँ तो मगर अस्मिन संसार अरणवे, अरे महाराज ये संसार को भोग करने आया है ये सब तो वो भोग, ये तो उसी दिन क्यों समझ में नहीं आया, जब पैदा हुआ तो उसी फर्स्ट ईयर में उस दिन तो मेरा बेटा उस बेटे को जरा सा कोई छू देवे, माँ धड़ाक से मारे कोई परवाह नहीं, पड़ोसी छू देवे देखना लड़ाई हो जाओ। हाँ महाराज ये तो गिर पड़े हो आप सभी संसार में, कहने का मतलब इस संसार में आप कहीं से एप्लीकेशन लगा के नहीं आए थे कि हमको लखनऊ शहर में ही पैदा होना है, कोई नहीं, अचानक गिर पड़े कौन से महासमुद्र में, पढ़िए पढ़िए मजेदार विषय है महाति अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदकी, भाई समुद्र है तो पानी होगा ना, अगर समुद्र से उपमा ले रहे हैं, समुद्र है तो बिना जल के होगा नहीं, हाँ तो जल कौन सा है इस संसार सागर में, इस संसार सागर में तो कहते हैं बहुत अच्छा, जल थोड़ा सा हो गए तो समुद्र थोड़े हो गया, 10 बाल्टी जल है तो तालाब हुआ तो समुद्र नहीं, ये कितना है महति घोर महान क्या है, अविद्या काम कर्म प्रभाव दुख, अविद्या से दुख, कामना का दुख, कर्म का दुख, ये तीन प्रकार के जो दुख मिल रहे हैं यही घोर जल है इस संसार समुद्र में, जिसमें जीव डूब उतरा रहा है, उल्टा पट रहा है। कौन सा जल है, बोले घोर अविद्या से दुख, घोर कामना से दुख और घोर कर, ये तीनों में दुख है, कर्म में महाराज घोर दुख है, लेकिन आदमी दुख को सुख मान बैठता है, ना समझी क्या जीव की है, दिन भर खाने को नहीं मिला दुकान पे बैठे बैठे आदमी को, डब्बा रखा खाने का और खाने को टाइम नहीं मिला, इतनी ग्राहक इतनी भीड़ लाइन लगी थी, और शाम को आया तो उसने कहा आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरा दुकान वाला तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पे, अब दिन भर खाने को मिला नहीं और बहुत बहुत बढ़िया गुजरा, क्यों, बोले क्योंकि ग्राहक बहुत थे उल्टी समझ, मतलब दिन भर आप चक्कर घिन्नी काटते रहे, हाँ 50 ग्राम जीरा दे दो, 50 ग्राम हल्दी दे दो, तौलते रहे और फिर शाम को बहुत बढ़िया, और किसी दिन आपको कोई ग्राहक नहीं आया सवेरे से, बढ़िया खा लिया, अखबार पढ़ लिया, कुर्सी पर टांग फैला के ऊँग भी लिया, सब कुछ मस्ती, कोई ग्राहक नहीं आया शाम को, आज का दिन बहुत खराब गुजरा क्या क्या उल्टी समझ है लोगों की महाराज, ये जितने अफसर हैं ना, जितने अफसर हैं इनको सबसे बड़ी सजा है, इनको काम मत दो खास करके इंजीनियर लोगों का है ना, कोई है तो नहीं, खास करके इन लोगों को आप जैसे पुलिस वालों को कह दो लाइन हाजिर, तनख्वाह मिलेगी, बिल्कुल तनख्वाह मिलेगी, आप स्टेडियम में लेफ्ट राइट करते रहो, तनख्वाह मिलेगी, आपको थाना नहीं मिला मतलब रिजर्व में रहो, वो एक तरीके से पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट आपकी सजा है। और इंजीनियर लोगों का आप आइए रोज दफ्तर में, आप हाजिरी लगाइए, आखिरी तनख्वाह ली जाइए, कोई काम नहीं आपके लिए, और वो आदमी आवे दस्तखत करे, वो बहुत बड़ा पनिशमेंट है, सजा है, और तनख्वाह तो मिलेगी आखिर में, तनख्वाह के लिए तो नौकरी किए थे आप जिस समय नौकरी करने गए थे तनख्वाह के लिए करने गए थे, तो तनख्वाह तो मिलेगी, मौज रखो आप, बोले नहीं ये तो सजा है नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी जिंदाबाद मुर्दाबाद चलिए हरी छप तुम लोग तो ये है महति अरणवे, बहुत बड़ा समुद्र, कौन सा, अविद्या काम और कर्म का दुख, जहां पर अब समुद्र है ना,
ध्यान देते ना, तो समुद्र है तो इसमें मगरमच्छ भी तो होगा कोई। आप ऐसा अब एक एक चीज पर विचार करना, यहां गहराई से चिंतन करते जाना। तो क्या कहते हैं, ये संसार समुद्र में तीव्र रोग, तीव्र शब्द लगाया है, तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह भाई महाग्राह है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ पकड़ लेगा तो खा जाएगा। तो कौन सा, बोले डायबिटीज, आर्थराइटिस, अभी ले के जाएंगे, अस्थमा, ये सब कौन है, अधकपारी, जो भी कहना चाहो, ये सब के सब मान लो, ये सब। अब घुटना खराब हो गया, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। आईएमसी में बता दिया, मैक्स में बता दिया, स्वामी जी जब तक चलता है चलाओ और जब ना चले तो निकाल के फेंक दो, दूसरा लगवा लेना प्लास्टिक का। तो अब ये सब कौन सा हो गया, ये महासमुद्र में ये सब ग्राह है, मान ग्राह माने पकड़ लिया पांव तो छोड़ेगा नहीं ना ये, फिर तो आपको लेके जाएगा। तो ये सब तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह, एक एक शब्द महाराज, ये सब इसलिए कहते हैं। और इस पर जब आनंदगिरी का टीका पढ़ते हैं ना, एकदम भाव देखना बड़े विस्तार में एक एक शब्द पर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मगरमच्छ पकड़ तो लिया, किनारा तो मिल जाएगा ना, अभी किनारा मिलेगा, जैसे मिट्टी मिलेगी तो मगरमच्छ तो पानी में ताकत बढ़ती, बच जाऊंगा, देखो किनारे लोग खड़े हैं वो बचा लेंगे मुझको। बोले नहीं, यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है, अनादव अनंते, संधि विच्छेद करना, अनादव अनंते अपारे निरालंबे आनंद आ रहा होगा, हाँ देखना इस बार, मतलब जिसके प्रारंभ का पता नहीं, ना ये किनारा दिखाई पड़ता है और ना वो किनारा दिखाई पड़ता है, अनादव अनंते। अरे चलो बीच में कोई डूबते को तिनका सहारा कुछ तो मिल जाए, एक डोंगी मिल जावे, एक टूटा हुआ तकते ही मिल जावे, बोले निरालंबे वो भी नहीं तो अब निरालंबे वहां कोई आलंबन ही नहीं है, ये महासागर में कौन सा आलंबन पकड़ोगे, कहां पर किसका सहारा पकड़ने जाओ। और अभी अंत में आवेगा, जो सहारा है सत्संग का, संत का, उनके पास जाने के लिए तैयार है नहीं, वो है एक आगे अंत में आवेगा, वो बिल्कुल अंत में महासागर, वहां जाने के लिए जीव तैयार नहीं। चलो अनादव अनंते अपारे निरालंबे, अरे कुछ तो सुख मिलता होगा भैया, ये संसार समुद्र में आपने पहले कहा था कि फल भोगने के लिए जीव आता है संसार में, प्राणी आता है कर्मों के कारण आता है, फल भोगने के लिए आता है, यही तो कहा था लोक में, तो कुछ तो सुख मिलता होगा। बोले हाँ जरा सा मिलता है, कितना, विषय इंद्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्राम में ये नहीं समझ आया, विषय इंद्रिय जनित, भाई इंद्रियां हमारी विषयों का भोग करती हैं, उतने में सुख मिलता है, कितनी देर तक लाव, जितना पलक झपकने में टाइम लगता है उतनी देर तक सुख मिलता है, रसगुल्ला खाया कितनी देर सुख मिला। एक जगह पर मैं बैठा था, बड़े बड़े प्यार से राजभोग खरीद के लाई, राजभोग मैंने खाया और खा के पानी पीने लगे, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा स्वामी जी पानी पी लोगे तो स्वाद खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर तो स्वाद लो फिर पानी। भाई अगर रसगुल्ला खा के पानी पी लो तो स्वाद खत्म, हाँ पानी पी लिया साफ हो गई जी। बोले नहीं थोड़ी देर तक तो उसका चटकारा लो, हाँ बढ़िया कितनी देर टिकता है, बोले लव लव क्षण विश्राम, थोड़ी देर तक उसी में आदमी चिपका रहता है, बारा जरा सा सुख जरा सा, इतनी देर का, जितनी देर तक इंद्रियां विषयों का भोग करती उतनी देर तक के सुख में जरा से भी, फिर और उतनी देर में भी सुख क्या है, बोले देखो सुख क्या है, पांच इंद्रियार्थ तृणम मारुत विक्षोभ उत्तिथनार्थ शतम, हाँ सतमोहर मऊ उर्मऊ, उर्म माने रोग,
इतना ही नहीं है, वो जो क्षण भर विश्राम, जैसे समुद्र में आप जाओ तो एक डूबता हुआ तख्त मिल जावे तो आपको बड़ा सुख मिला, बच गए। अरे इतना ही थोड़े, आंधी आएगी, तूफान आएगा, ऊपर से ओला पड़ेगा, बगल से सार्क नजर लगावेगी, कभी कभी देखो फिर जो है। तो उसी तरीके से पंच इंद्रिय, पांच इंद्रियां, पांचों अर्थ, पांचों इंद्रियों के विषय, ये सब तृण उनके भोग, फिर मारुत हवाएं, फिर विक्षोभ लहरें उत्तर, ये सब का सब आपके उस जो तखत पकड़ के लटके हो उसको डुबाने के लिए तैयार। ये जो जरा सा सुख मिल रहा है ना, उसको उस जरा से सुख को भी डुबाने के लिए सब तैयार। कौन, अब आज की भाषा में कहूँ, रसगुल्ला खाते खाते मोबाइल आया, कोई मर गया, अब स्वाद लो, आएगा। वैसे सही तरीका तो है कि खाते समय मोबाइल पे बात मत करो, करते तो नहीं आप लोग? और मैंने बहुत दिनों तक रिसर्च करके बता रहा हूँ, लोग चैन से बैठे रहेंगे, वैसे नहीं, जैसे कौर उठाओगे वैसे दूसरे को याद आओगे स्वामी जी का नंबर मिलाओ। हाँ, अधिकतर खाते समय लोग फोन करते हैं, आप लोगों का होता हो ना होता हो भाई, ये तो मैंने कई बार देखा है, खाते समय आप फिर फोन पर पूछेंगे स्वामी जी आप खा तो नहीं रहे हो? पता नहीं। मैंने किसी को कहा खाते समय क्यों मिलाते हो, तो बोले स्वामी जी आप दिन भर खाते रहते हो फिर मिलाए कौन? अब हर इच्छा, अब वो जो जरा सा सुख है उसको भी कोई ना कोई आंधी डुबोने के लिए तैयार है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजेगी, उसी समय दो बच्चे लड़ जाएंगे घर में, उसी समय कोई और चीज हो जाएगा, उसी समय जो है शायद। अच्छा, आप लोग खाते खाते गैस बंद करने जाते हो कभी कि नहीं? कई घरों में देखा है मैंने, वो खाने बैठे हैं, प्रेशर कुकर भी रखा है इस गैस पर, और अब तीन सीटी हो गई, दौड़ी बजा बंद करने को। हमारा सबका सब, अब ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। हाँ, आपका ये असली परिचय है जहाँ पर जी रहे हो, जहाँ पर जी रहे हो उस संसार सागर का। और अब आगे बहुत कड़वा कह देते हैं, महा रौरव आदि, रौरव सुना है ना कभी? रौरव नहीं, उसे महा लगा दो आगे। महा रौरव आदि अनेक निरय गत हा हा, संधि विच्छेद करना, महा रौरव आदि अनेक निरय गत हा हा इति आदि कूजित आक्रोशान उद्भूत महारवे सती, सती माने होने पर। ये जो संसार सागर में जी रहे हो आप, क्या समझ रहे हो यहां बढ़िया बढ़िया संगीते सुनाया जा रहा है आपको? यहां सुंदर संगीत ही नहीं है, यहां क्या हो रहा है, जैसे महारौरव नरक में प्राणी जावे तो जहां पर जिस तरफ देखेगा एक को गदा मारा ऊपर से, कैसा चिल्लाया होगा। एक बार मैं गया अस्पताल में देखने के लिए, कौन सा अस्पताल सर, शायद मेडिकल में, तो जिस तरफ से लेके गए मुझको, ये भर्ती किसी और वार्ड, लेकिन जो रास्ता था वो एक्सीडेंटल वार्ड का था, उसी में से वो एक्सीडेंटल वार्ड था उसमें। हाँ, तो वो जले उले उसमें, कोई 70% जला था, कोई 80%, इनको मैं देखने गया अस्पताल, तो उसमें से लेके गए, ये उसमें नहीं थे लेकिन रास्ता उसी में से था। अरे महाराज, हमको लगा यही महारौरव, अब वहाँ पर शांति मिलेगी क्या? ऐसे इस जगत में आपको लगा बड़ा सुख है लेकिन हो क्या रहा यहाँ पर, हा हा, वही लिखा है देखो ना, महारौरव आदि अनेक निरयगत हा हा, भगवान जाने तो, हाँ कूजित,
कोजी तो जैसे कौवा चीखे, जैसे पक्षियों को मारे तो चीखे, बाण लग जाए पक्षियों को, तो ऐसी दुनिया में चीख रहे हैं सब, दुख में पड़े हैं, हाय 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 क्या करूं क्या करूं। और यहां पर आपको लगता है सुख है? अस्पताल वाले कैसे चाय वो पीते? अरे मैंने देखा मुझको लिटाया था उन्होंने, और वहाँ यहाँ पर हड्डी पे नर्स वो दे दिया था इंजेक्शन, बेहोश तो था नहीं, तो मैं देख रहा था मॉनिटर पर देख रहा था, तो मैंने कहा नहीं मुझको तुम लोगों से नहीं कराना, जो वहाँ के बड़े डॉक्टर, मैंने कहा उन्हीं से कराऊँगा, तो अपना ऐसा खोल के दिखाया, स्वामी जी पहचान मैंने कहा पहचान तो इतने में फिर दूसरा वाला आया, इसे हमारे ऊपर से फिर वो कपड़ा रख दिया, क्योंकि वो थोड़े कर रहा होगा, तो खड़ा रहा होगा, सब असिस्टेंट कर रहे थे तो समझ, तो अब वहाँ तो सब होश में है, तो वहाँ घर की बात कर रहे हैं। वहीं पर फिर समोसा मंगाया गया, मैं लेटा हुआ समोसा खाए, क्योंकि वो सवेरे 8 बजे से ओटी शुरू हो गई, और हमारा नंबर आया 5 बजे ओटी मुझको लिया, तो वहीं और वहीं लोग लगातार लगे थे, तो चलो वहीं समोसा खाए चाय पिए, और मैं पड़ा हूँ हाय हाय करते हुए भगवान जाने। तो अब महा रो रो, और वहाँ भी लोग समोसा खाए, आप उनके लिए आइटम है गुरुदेव तो ऐसे उस ईश्वर के लिए तुम लोग आइटम हो, महारौरव में पूछते रहो हाय मरा हाय मरा, और देखता है आइटम हो, महारौरव आदि अनेक निरयगत हा हा इत्यादि कूजित, आक्रोश कूजित ही नहीं भाई, अभी एक चीखेगा हाय मैं मर गया, तो नर्स मारेगी चुप अब लो, तो एक गुस्से में भी चीखता है ना। अच्छा बच्चा चीख, बच्चा चिल्लाता रहे तो कभी माँ बाप उसको मार देते कि नहीं था? वो तो चीख रहा है बेचारा, रो रहा है, और माँ धड़क चुप तो आक्रोश उद्भूत महारवे सती, इतना होने पर हाय ये है आपका महासमुद्र, इस महासमुद्र में आप पड़े हो, गहराई से चिंतन करना। फिलहाल हमको ये 2-3 दिन के लिए काफी था, हाँ 2-3 दिन के लिए विषय काफी, एक एक शब्द पर गौर करने लायक है, क्या क्या उपमा दिया। अच्छा महासमुद्र में मान लो एक नौका आ गई कहीं से, अंग्रेजी पिक्चरों में होता है लगभग बिछुड़ गए, नौका टूट गई, टापू पे पहुंच गए, तो दिन भर इंतजार करते हैं कोई आवे अंग्रेजी पिक्चरों में खास करके उनका एक थीम है बहुत, जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर 2 हीरो 1 हीरोइन, हाँ पुराने पिक्चरों में, हाँ या 2 हीरोइन 1 हीरो खास करके ऐसे होता था, ऐसे उनके यहाँ का ये खास एक थीम है अंग्रेजी पिक्चरों का, कि शिप टूट गया और टापू पे फंस गए, और फिर वहाँ कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और फिर देखो तो एक नौका आ गई, लेकिन नौका पर सबको नहीं चढ़ाया जाएगा, कैसे नौका है, हाँ सती सती माने होने पर, ए महासमुद्र ऐसा होने पर, आर्जव दान दया अहिंसा सम दम धृति इत्यादि, धृति हाँ धृति आदि आत्मगुण पाथेय, अगर इस महासमुद्र को पार करना है, मान लो टूटी सी डोंगी मिल गई और पार करना है, तो उस पर नारियल रख लो, पानी रख लो, बिस्किट रख लो, पाथे माने रास्ते के लिए ना, पता नहीं कितना दिन लगे, 2 महीना लगे 3 महीना लगे, अपना पाथे अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, पाथे माने रास्ते के लिए, सत्तू लपेटू रख लो, क्या क्या रखो रास्ते में, अगर इस सब भवसागर को पार करना है तो आर्जव माने सरलता, दान दया अहिंसा श्याम दाम धृति आदि आत्मगुण। अब इसकी व्याख्या, अब कम से कम इतना मान उपनिषद में मान के चलते हैं कि इन सब का मतलब आप लोग, इसीलिए शुरुआती ग्रंथ नहीं है, अंतिम ग्रंथ है आखिरी, तो आप लोग इसका अपने आप समझ लो, क्षमा आर्जो दया तोष सत्यम पीयूष वद्वत, ये पाथे है। तो इतना सत्तू लपेटू लेकर के बैठोगे कहाँ पर, नौका तो चाहिए, कौन सी नौका है, पूर्ण ज्ञान उडुपे,
पूर्ण ज्ञान उडुपे सत्संग सर्व त्याग मार्गे। हाय हाय, अब समझ लेना, अपने आप लोग समझ सकते होंगे। एक नौका आई, कौन सी नौका आई? उडुपे माने नौका। एक नौका आई, कौन सी नौका आई? सत्संग रूपी नौका आई, और उस सत्संग रूपी नौका पर इतना सारा सत्वत्व रखा हुआ है। कौन कौन सा? आर्जव, दया, दान, ये सब सत्संग रूपी नौका पर सब रखा है। जब इतना रखा है तो सवार हो जाओ ना, जल्दी से बैठ जाओ नौका पर। बोले बैठने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए कि जो कूड़ा कचड़ा इकट्ठा लगाए हो उसको छोड़ना तो पड़ेगा। सर्व त्याग रूपे, अगर त्यागने के लिए तैयार नहीं हो तो नौका पर सवार कैसे हो। एक स्टोरी बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत पहले, एक बहुत बहुत अच्छा महापुरुष हुआ, नाम था उसका खलील जिब्रान। उसकी पुस्तकें बहुत बढ़िया बढ़िया, एक पुस्तक जीवन संदेश के नाम से छपी, बहुत ही सुंदर पुस्तक, छोटे छोटे उसके अपने उसकी बात को सुन करके उसके देश से उसको निकाला दिया, दूसरे देश में रहा, और जब मर गया तो उसको लाया, फिर अपने देश में दफनाया। हमारे यहाँ का व्यक्ति था, महान पुरुष था, जब तक जिया तब तक देश निकाला, और जब मर गया तो मरने के बाद फिर पूजा। तो उसने वो स्टोरी लिखी कि कोई नाविक है, व्यापारी, नौका से व्यापार करता है, कोई उसके गुरु जी हैं, उसके गुरु जी ने कहा दिन भर तो नौका से चलता रहता है समुद्र में, कभी नौका टूट जाए तो क्या करेगा, मैं तुमको एक पीपा, खाली पीपा बंद करके नौका पर रख ले, मेरे कहने से रख ले। उसने कहा जगह नहीं है, बहुत सारा माल मत्ता रखा है, व्यापार करना है। बोले खाली नौका पर पीपा रख ले, इतना जगह दे दे, अगर कभी नौका टूट जाए तो खाली पीपे को लेके कूद जा, तो पीपा तैरेगा तू भी बच जा। अब रख लिया गुरुजी की बात मान करके। साल दो साल के बाद नौका टूटी, एक घटना आई, आंधी चली, नौका टूटी, और उसी नौका में 500 पीपे बढ़िया सोने चांदी से भरा रखा था, एक खाली गुरुजी का दिया हुआ, बाकी 500 भरे हुए। उसको लगा जब पीपे से लेके कूदना है तो खाली क्यों लेके कूदो, सोने चांदी वाला लेके कूदो। अब उस समय जब नौका टूट रही तो भरा वाला पीपा, सोना चांदी कुछ तो बचा लूं, उसको लेके कूदता है। बोले क्या हालत हुई होगी महाराज, ये गुरुओं का ज्ञान है सर्व त्याग रूपे, तो सत्संग सर्व त्याग मार्गे। अच्छा, फिर अगर सत्संग रूपी, और एक बार नौका पर चढ़ गए आप तो रखा हुआ है सब खाने पीने का, खाते पीते मस्ती से चले जाओ, नौका खेलने वाला भी कोई और है, कौन से तीर पर पहुंचोगे? क्योंकि ये संसार सागर तो जिसका ओर छोर नहीं है, अनादव अनंते निरालंबे, कौन से तीरे पर पहुंचोगे? नौका कहां ले जाएगी? मोक्ष तीरे, मोक्ष रूपी तीर पर ले जाके एतस्मीन महति आर्णवे प्रापतन पतितवत्यः, इस महासागर में ओ देवता लोक जो लोकपाल बने थे वो सब भूख प्यास के कारण इस समुद्र में पड़े। बाकी आगे हम लोग कल सुनेंगे जी, आज बहुत हो गया। अब ये महासमुद्र का घर पे पढ़ना, थोड़ा दो बार चार बार एक एक शब्द पर, जल्दी मत बचाना, उपन्यास नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस पर एक एक शब्द पर व्याख्या के लिए दिन दिन भर चाहिए, तो एक एक शब्द पर चिंतन करना। ये महासमुद्र है, संसार भव सागर, इसीलिए भव सागर कहा। यहाँ पर देखो कैसे ग्राह हैं, कैसे तरंगे हैं, कैसे लोग क्रंदन कर रहे हैं, दुख में पड़े हुए हैं, यहाँ से बचने का बस एक ही चीज है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं, भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं, यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन